इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रश्मि शर्मा मैम, आपसे जानना चाहूँगा एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और उनमें कितने इनर व्हील के और भी ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उस बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि शर्मा है पूरा। मैं पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, इनर व्हील क्लब सारे जो इंडिया में हैं उसकी हेड रह चुकी हूँ, और इस साल से मैं मिशन ममता ऑर्फन फ्री इंडिया, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी नेशनल चेयरमैन हूँ। हम इनविल हमेशा बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना ये कार्य ले कि यहाँ पे जो अनाथ बच्चे हैं उनको, हर बच्चे को एक घर मिले, इसी से हमने शुरुआत की है। और क्योंकि हमें पता है कि एक साल में ये कार्य नहीं हो सकता, इसलिए हमने 5 वर्ष का कार्यकाल दिया है ताकि हम ये अचीव कर सकें। इसमें बेसिकली हमारा ये है कि अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है ऑल ओवर इंडिया में कि अनाथ बच्चों का हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उन सबको एक घर दे सके। सबसे पहले क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर दी जनरल मेंबर्स इन इंडिया कि अगर किसी को अडॉप्ट करना है या फोस्टर केयर जैसी चीज़ें करनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा है, हम चाहते हैं कि लीगल अडॉप्शंस हों। कई चाइल्डलेस कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, या जिन लोगों के हैं और वो और एक्स्ट्रा पाल सकते हैं अच्छी तरह से, तो वो पालें, उनके लिए लीगल अडॉप्शन है। सिंगल पेरेंट्स भी पाल सकते हैं। अगला है फोस्टर केयर, जिस पे आज के कार्यक्रम में ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, क्योंकि कई लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, पर फोस्टर केयर तो शायद काफ़ी लोग हम में से कर सकते हैं। उसका तीसरा है गार्जियनशिप, वो भी हम करना चाहेंगे कि हम अगर घर न ला सकें तो हम उनको ऑर्फनेज में वो सुविधाएँ दे सकें। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि रिमांड होम में भी ऐसे कई बच्चे जो एज़ गुड एज़ अनाथ हैं उनको भी हम सहारा दे सकें, उनकी भी काबिलियत को हम उभार सकें। एंड उसके बाद हम चाहेंगे कि कितने ऑर्फन से पूरे इंडिया में और कितनी संख्या थी और कितने हम कम कर सकें, उसका हम लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसमें हमने 3 हमारे पार्टनर्स हैं, ऐसा नहीं कि अकेले इनविल ही करेगा। हमारे इनविल के अराउंड 45,000 to 50,000 मेम्बर्स हैं आज इंडिया में, पूरे देश में फैले हुए हैं। तो इसलिए मेन हम कर रहे हैं, हमारे साथ है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ है, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दे आर विथ अस। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ है, और एक सोनाथ फाउंडेशन जो मुंबई का है वो भी हमारे साथ कार्य कर रहा है, जिसके थ्रू हम ये कर पा रहे हैं। एंड हम ये बताना चाहते हैं कि ये अचीवेबल है, ताकि हर बच्चे को, जो हम हमेशा कहते हैं बेटर वर्ल्ड टू स्टे इन, ये कार्य हम पूरा कर सके। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज नागपुर के तीनों इनविल क्लब्स ने ये कार्य अपने हाथों में लिया है, ताकि ये इसके बारे में फैला सके। और इसका रेस्पॉन्स हमें पूरे इंडिया में विद इन 2 मंथ्स भी नहीं हुए, बहुत अच्छा मिला है। सारा इनविल पूरे इंडिया में बहुत अच्छा इसमें कार्य कर रहा है, अवेयरनेस तो बहुत क्रिएट कर रहा है। अगला स्टेप होगा हमारा एडॉप्शन वगैरह। मैम, ये सोशल कॉज में इनर व्हील सदा अग्रसर रहा हुआ है जी, तो आप सोशल मैसेज क्या देना चाहोगे ताकि लोग ऑर्फेन जो है उसको एडॉप्शन के बारे में क्या उनमें जन जागरूकता आए, उस बारे में बताइए। एडॉप्शन का बेसिकली हमने जो नाम रखा है कि मिशन ममता, ममता का मेनली होता है कि मदरहुड, तो ममता जो मातृत्व का जो प्यार होता है वो हर लेडी में है, तो हम बेसिकली लेडीज़ को ही ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ताकि वो ममता जो भरी हुई है वो उस पर, उन बच्चों पे थ्रू वाई एनी मीडिया, लीगल अडॉप्शन हो, चाहे फोस्टर केयर हो, चाहे गार्जियनशिप हो, उन पर न्यौछावा कर सके। और एक दिन हम देखें, इंडिया में एक समय था जब जॉइंट फैमिलीज थी, तो तब अनाथ बच्चे नहीं हुआ करते थे, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो इससे वी ऑल्सो एनकरेजिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कि साथ में रहो, तो इससे भी ऑर्फन बच्चे नहीं होते। और हम ये भी देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के साथ हम अनाथालय को जोड़ सके, दिस इज़ व्हाट वी आर बिलीविंग, ताकि इससे इन सब तरफ से हम ये अचीव कर सकें। आज के कार्यक्रम में आप कुछ रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं कि इस बारे में आप बताइए। रेजोल्यूशन तो बेसिकली ये है कि हमें इसके लिए जितना हम कार्य कर सकें, अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हम जितना कर सकें हम करना चाहेंगे, और हम हर चाहेंगे कि हर बच्चा हमारे डिस्ट्रिक्ट में 303 में, जो कि नागपुर चंद्रपुर से लेकर नासिक तक है, हर अनाथ बच्चे को एक घर मिल पाए, ये हम शपथ लेने वाले हैं, इस तरह का कार्य होगा। अब आगे के आप एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए जो आपके पाइपलाइंस में।
पाइपलाइंस में तो वैसे देखा जाए तो ये तो मिशन ममता जो हो गया वो तो है, हम एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हम लोग ने कपड़ों के बैग्स वितरित किए हैं जिस पर लोगोज लगे हुए हैं इनोविल के, और हम जिसको भी जरूरत है उसको हम भेज देते हैं, ये देते हैं गिफ्ट में। आज ये सारे क्लब वाले भी ये गिफ्ट जो बैग आप यहाँ देख रहे हैं वो देने वाले हैं, हम इसे एज अ गिफ्ट देते हैं ताकि वो यूज़ करें और पॉलिथीन का यूज़ कम हो। हम भाग्यलक्ष्मी जी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कैसा सहयोग रहा है, आप उस बारे में बताइए नवीन के आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, ये जो सर्वप्रथम ये जो मिशन ममता का जो प्रोजेक्ट है वो इसी साल चालू हुआ है, इनरवील क्लब ने ऑल ओवर इंडिया चालू किया है, और अभी हम लोगों ने पद ग्रहण ही दिया है जुलाई में। तो हम तीनों क्लब मिलकर इनरवील क्लब ऑफ नागपुर, इनरवील क्लब ऑफ ऑरेंज सिटी एंड इनरवील क्लब ऑफ ईस्ट, ये तीनों क्लब मिलकर हम लोग सबसे पहले हम इसका ओरिएंटेशन सेमिनार लेना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे जो मेंबर्स हैं इनरवील के तीनों क्लब के जो मेंबर्स हैं, साथ में रोटेरियंस, रोटरी एंड्स, सभी लोग इसमें सहभागी होने वाले हैं, और उनको मिशन ममता के बारे में कंप्लीट जानकारी। आज हमारे खुद ऑर्फन होकर वो एक ऑर्फनेज चलाते हैं, और वो बहुत बड़ा क्रेडिट है, वो दूसरे बच्चों को भी संभाल रहे हैं, तो उनको हमने आज फेलिसिटेशन के लिए बुलाया है। इनरवील के बारे में आपने जो थ्रू आउट इन्फॉर्मेशन दिया और जानकारी दिया और आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उस बारे में हमारे मीडिया की ओर से आपका अभिनंदन करना, और एसआर टीवी न्यूज़ के साथ स्टार महाराष्ट्र एंड आईबीएम टीवी नेशनल मीडिया, थैंक यू। हमारे साथ मीना ताई मौजूद है, नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर इनरवील। मैम आप बताइए आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। आज का कॉन्सेप्ट जो मिशन ममता है, अनाथ बच्चों के लिए एडॉप्शन, फॉस्टर केयर और उनको गार्डियनशिप देने के लिए ये हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। गार्डियनशिप में विविध सब्जेक्ट्स आते हैं, गार्डियनशिप इन द सेंस उनके हेल्थ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनको उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में, उनकी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट स्किल्स, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इनरवील मेंबर्स एक एक बच्चों को गार्डियनशिप प्रोवाइड कर सकता है। मैम ये आपका जो एनजीओ है ये तो काम कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट को भी कुछ इसके माध्यम से कुछ लॉ करने के लिए कुछ? हाँ, मेरा एक बहुत ही मेरा एक अहम भाव है कि ये बच्चों का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो बच्चे अनाथ विद्यालय में या अनाथालय में और रिमांड होम में रहते हैं, इन बच्चों से ज़्यादा बच्चे जो बाहर सड़कों पर घूमते रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर घूमते हैं, ट्रेनों में घूमते हैं। मेरे गवर्नमेंट को मेरी एक अर्जी है, गवर्नमेंट से लेके हमारे सुरक्षा विभागों को, पुलिस और सैनिकों के लिए मेरा एक निवेदन है कि इन बच्चों को इकट्ठा करके देश की सुरक्षा के लिए आप इन्हें प्रेरित करें, इन्हें ट्रेनिंग दें, ताकि ये बच्चे आगे जाकर बहुत बड़े सैनिक हो, पुलिस में अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, ये भारतीय हैं, ये भारत के बच्चे हैं, ये अनाथ नहीं हैं, ये भारत माँ के सुपुत्र है। स्वाति शॉर्ट में बोलिए मैम, नाम बताइए आपका पूरा कौन सा? हमारे इनरवील क्लब ऑफ नागपुर ऑरेंज सिटी, श्री विमला जैन, पास्ट प्रेसिडेंट विमला जैन मैम ने एक लड़की को अडॉप्ट किया है, और वो क्लब ऑफ नागपुर ऑरेंज सिटी की पास्ट प्रेसिडेंट विमला जैन मैम ने एक लड़की को अडॉप्ट किया है, और वो बचपन से उसका पूरा खर्च उठा रही है, पूरा उसका एजुकेशन तक उन्होंने पूरा किया है, और अपने हॉस्पिटल में अभी उसको जॉब दिया है, उसका मतलब पूरा एडॉप्शन उन्होंने किया है और उसका खर्चा भी पूरा उठा रहे हैं। एक मिशन ममता के तहत ये हमारा पहला कदम है, ये हम आज ये सेमिनार ले रहे हैं कि ये एडॉप्शन मतलब आज कितने अडॉप्ट होंगे ये नहीं, ये हमारा पहला कदम है, हम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन हमारे इस सेमिनार से होंगे, और ये हम जल्द ही दूसरा जब हम प्रोजेक्ट लेंगे तब हम उनको आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो अडॉप्ट होंगे उसके बारे में जानकारी देंगे।